और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद प्रियंका जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। संभल से शफीकुर रहमान जो कि 93 साल के हैं उनको टिकट दिया है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से श्री राजाराम पाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर काजल निषाद। समाजवादी पार्टी की ओर से सपा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, यानी कि यहां पर अपनी बड़ी बढ़त हासिल करना चाहती है समाजवादी पार्टी बीजेपी पर। माना यह जा रहा है कि 15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की वो लिस्ट जारी कर सकती है जहां पर वो कमजोर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यहां बढ़त लेने की कोशिश की है। और आपको बता दें, ये लिस्ट एक ऐसे वक्त में आई है जब कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों के तालमेल को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाए हैं। 11 सीटें खुद अपनी ओर से अखिलेश यादव की ओर से ऐलान कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल वो बड़े बड़े नाम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से जिनका ऐलान किया गया है।